अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश रखे, और आपके उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान भी अच्छे गुजरे होंगे। आज हमारा आखिरी रोज़ा है, तो मैं ना असल में नीचे जा रही थी ख्वाहिती लेने के लिए, कुछ सरप्राइज़ आया है जी। तो यहाँ पे जो है ना, फोर्थ को ही होता है ना, तो ये वाला इस तरह जिस बिल्डिंग के पास, मतलब जिस हो ना, तो इस तरह ये फूल लगा देते हैं। ये देखना कितने कितने बड़े बड़े, लेकिन ये पता नहीं है कि हमें, मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में ये वाली बिल्डिंग में ही है, तो इस तरह ये लगा देते हैं। और रोने के लिए स्पेशल एक बुलवाते हैं औरत को, तो वो फिर जो है ना आवाज़ें इस तरह की रोने वाली निकालते हैं इस तरह। ये हमारी बिल्डिंग के सामने ही जो है ना लगी हुई है, ये देखें। समझ लें कि मुझे जो है ना वो ईदी मिली है, ये समझ लें, मतलब समझना क्या ईदी ही है। तो अब देखते हैं क्या है उसमें। मैं असल में सो के उठी हूँ, तो मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी वो भारी सी लग रही होगी, क्यों। आज हमारे 30 रोज़े मुकम्मल भी हो गए हैं, और खुशी भी है कि 30 रोज़े मुकम्मल हो गए, और गमी भी है कि रमज़ान जा रहा है। इतनी स्पीड से गया ना, पता ही नहीं चला। ये है जी ख्वाहिती वाले की दुकान, ये पड़ी हुई है ख्वाहिती हमारी ना, तो अब मैं इसको लेके जाती हूँ घर, और जाके जो है ना देखते हैं क्या है इसमें ऐसा जो के चीज़ें, ये आटा गूंदने वाली मशीन है असल में ना, तो ये था सरप्राइज। अच्छा, तो ये है सरप्राइज, ये आटा गूंदने वाली मशीन है। ये रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, और ये इसके अंदर लगाएंगे यहाँ पे, लग नहीं रही अच्छा से, ये देखें। तो ये है इसके ढक्कन ऊपर जो है ना चलाने के लिए, देखें। और ये बहुत अच्छी कंपनी की है, ये जो है ना बेयर वालों की है, बहुत अच्छी कंपनी है। ढक्कन और डाल देंगे ना, तो बस तड़ातड़ आटा गूंदे जाओ। है मुझे जो है ना थोड़ा सा आटा गूंदने के लिए तो मुसीबत ही पड़ी, वैसे मैं वही से गूंदवाती थी कभी कभार, उनसे कह देती थी। तो अब तो ये वाली मशीन आ गई है, बस फिर इसमें कोई सी भी पिज़्ज़ा डो बनानी हो, केक के लिए कुछ करना हो, ऐसी जो कि बेकिंग का भी इसमें बन सकते हैं, और आप आटा भी आराम से गूंद सकते हैं किसी भी टाइम इसमें चलाते हैं, साथ में आप हंडिया बना ले, आपका काम हो गया है ना। अच्छा है, इसकी मत मारा करेंगे अब, क्या होगा। हेलो चंदा मामा, चांद रात मुबारक। तो गेस व्हाट, कहाँ जा रही हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि जो है आज हमारा आखिरी रोज़ा था और चले गए रमज़ान, तो अब जो है ना चांद रात शुरू हो गई है। तो मैं जा रही हूँ अपने भाई की तरफ, और वहाँ पे जाके फिर आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या करेंगे। तो चले मेरे साथ, लेकिन 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 पास आए ज़रा, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप आगे जाएंगे। ओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आप ऐसे ही मजा लेते रहें। है ये मेरी बस, ये है 45, सारी खाली बस पड़ी हुई। तो मेरी तरफ से चांद रात और एडवांस में ईद मुबारक। तो आज वो रात है कि हमने अल्लाह ताला से ईदी लेनी है, तो ये मत भूलना कि आज ईदी लेनी है, क्योंकि आपने जो भी रमज़ान में इबादत वगैरह जो भी किया है, तो आज आपको सिला मिलेगा, तो अल्लाह ताला से ज़रूर आपने जो है ईदी लेनी है, कहीं ये ना हो कि आप भूल जाएं। क्या होता है कि पता जैसे ही चलता है जी सुबह ईद है, तो सारे कपड़े तरपाई करने में शुरू हो जाते हैं, सफाइयों में मसरूफ हो जाते हैं, तो इस तरह जो है ना हम असल काम जो है ना वो भूल ही जाते हैं कि अल्लाह ताला से ईदी मिलनी होती है, वो हम लेते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से ईदी लेना मत भूलिएगा, लाजमी ईदी लीजिएगा, और अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। यह है स्टॉक,
यहाँ से मुझे लेनी पड़ेगी साइकिल, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके साइकिल लेनी पड़ती है। ये कुछ इस तरह, ये रही वो गली। और यहाँ पे आके इतना मजा आता है ना, और इतना सुकून मिलता है। मतलब यहाँ पे सारे जो है ना मुस्लिम चाइनीज रहते हैं, होटल भी सारे हलाल हैं, और खाने भी आपको हलाल मिल जाएंगे। जिस शॉप पे जाएंगे आपको हर चीज हलाल मिलेगी। कितनी बड़ी जो है ना ये सहूलत है, और ऊपर से मस्जिद भी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सुकून भी बड़ा है, और इधर करीब ही पार्क भी है। हर तरह का ऐसा माहौल जैसे पाकिस्तान में होता है कम्युनिटी में, तो इस तरह का माहौल है यहाँ पे भी ना। बिल्कुल शोर नहीं, आराम से पुरसकून। तो जो भाई लोग थे वो पहले उधर रहते थे मेरी तरफ, लेकिन अब इधर शिफ्ट हो गए हैं। पार्क है, मैं वैसे आपको सुबह दिन टाइम दिखाऊंगी, तो जो है ना अभी रात है तो आपको इतना नजर नहीं आएगा। ये पार्क है बहुत बड़ी, और बहुत मजा आता है यहाँ पे ना। मनो लगा रही है अपने मेहंदी, क्या नाम है आपका? उजैफा जो है ना मेरे पास बैठा हुआ है, देख रहा है मेहंदी कैसे लगा है ना। और ये भी नहीं, रात बोल दो, बोलो चांद रात मुबारक। ये जो है ना ये वाली भी बांसी हुई, इसका इतने प्यारे बाल थे, लेकिन इसके बाबा ने काट के ना क्या उसका हाल बना दिया। और ये है हुज़ैफ़ा, बहुत क्यूट बच्चा है। मनु कितनी प्यारी मेहंदी है ना बच्चो, सारे फिंगर पे लगाए, सारे फिंगर पे। वो नहीं है जनाब, वो नहीं पड़ी हुई है, व्हाइट वाली टेबल है नीचे रखी हुई है। एक बच्ची तो पगताई गई, ये देखिए मेरी प्यारी मनो ने इतने प्यारी मेहंदी लगाई है छोटे छोटे हाथों पे। और अब बारी आई है जैनब की, इधर दिखाओ जैनब, ये लगाई है जी जैनब ने मेहंदी। और ये मेहंदी हमारी जो है ना ब्लैक ऑनलाइन ऑर्डर हो गई है, हमने रेड की और ब्लैक हो गई है ये। ये सारी जो है ना सेम लगवा रही है तीनों फ्रेंड, ये जैनब भी और इसका नाम मानसी हुई है, एक जैसा लगवाया ब्लैक मेहंदी। ये हुज़ैफ़ा ने ये लगवाया, ऐसे ऐसे नहीं करना। ये जो है ना पंखे के ऊपर आके ना तो देखने सुखा रही है, ये है इसकी ब्लैक मेहंदी। तो मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा। ओके, तो मैं पहुँची 2:30 बजे घर पहुँची हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़।